तमाम मुसलमानों ने खुजगी और मौजूद को तंजुल मसाजिद कमेटी खुजगी की जानिब से ईद उल अज़हा की पेशगी मुबारकबाद पेश की जाती है। तो इस साल 10 ज़िलहिज्जा मुताबिक 29 जून बरोज़ जुमेरात यानि कल नमाज ईद उल अज़हा ईदगाह खुजगी में ठीक 9 बजे अदा की जाएगी। तो तमाम से गुजारिश है कि वक्त मुकर्रर से क़ब्ल ईदगाह को पहुँचने की कोशिश करें। ईदगाह के ईद उल अज़हा के पेश नज़र इंतज़ाम तंजील मसाजिद कमेटी ने ईद में सफाई के ईदगाह की सफाई का काम अंजाम दे चुके हैं, यानि म्यूनसिपल से रब्त पैदा किए, म्यूनसिपल कमिश्नर और चेयरमैन से रब्त पैदा किए, आली जनाब से मोहतमद सैयद इस्माइल उर्फ पाशा साहब ने। तो इस पर म्यूनसिपल का अमला ने यहाँ पर सफाई का काम अंजाम दे चुका है कल, और वज़ू के लिए टैंक का खुसूसी इंतज़ाम किया गया है, पानी का भी इंतज़ाम है। फिर भी आप जहाँ तक हो सके घरों से भी वज़ू करके आए ताकि जमात में तमाम शरीक हो सके, नमाज मिल सके, क्योंकि वहाँ पर भी वज़ू करने में लोगों की कसरत की वजह से ताखिर हो जाएंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि कल यानि बरोज़ जुमेरात 29 जून को नमाज यानि ईदगाह को पहुँचने की कोशिश करें, जल्द अज पहुँचने की कोशिश करें। ये तो सफाई के अंजाम ईदगाह में नमाज के ईद के लिए सफाई का काम अंजाम दे चुके हैं, ये काम मुकम्मल हो चुका है। और दूसरा ये कि ज़िबा के ताल्लुक से जानवर जो ईद उल अज़हा में जानवर जो ज़िबा किए जाते हैं तो इसका फजला वगैरह भी कहीं पर उधर नालियों में वगैरह भी ना फेंकें, तो ये एक जगह जमा करें। म्यूनसिपल का अमला वहाँ पर आएगा, तो गाड़ियाँ वगैरह आएंगे, वो गाड़ियों में ही ये करें। तो हमारी कुर्बानी की वजह से किसी हमसाये को तकलीफ़ देना नहीं है और कोई भी ऐसे मसाइल ना पैदा करें। उन हुकूमत हिंद के क़ानून के मुताबिक जो पुलिस वगैरह जो भी हमें अहकाम जारी किए हैं उस पर अमल करते हुए अमन और सलामती से ईद गुजारें, और हर कोई कुछ भी इख्तलाफात पैदा ना करते हुए हर कोई खुशी से ईद गुजारें। तो ये हमारे आले जनाब सदर साहब और सदर अब्दुल शकूर साहब तंजील मसाजिद कमेटी और मोहतमद सैयद इस्माइल उर्फ पाशा साहब की ये अपील है तमाम से कि तमाम को फिर एक मरतबा ईद उल अज़हा की पेशगी मुबारकबाद पेश की जाए। बोले बोले वही बोले।